मामला सामने आया है जब मात्र 300 रुपए के लिए एक 19 साल के लड़के पर कई बार चाकू से हमला किया जाता है। पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए एक ही दिन के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग दिल्ली के पांडव नगर इलाके में मौजूद हैं और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये संगम कॉलोनी है। यहाँ से एक मामला सामने आया है जब मात्र 300 रुपए के लिए एक 19 साल के लड़के पर कई बार चाकू से हमला किया जाता है, जिसमें चार मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी बैठकर जुआ खेल रहे थे और जुए के दौरान जो अभिषेक उर्फ गोलू है, जिसका नाम, जो मृत्यु हो चुकी है जिसकी, उसका ही नाम अभिषेक उर्फ गोलू है, और जब वो 300 रुपए जीत जाता है उसके बाद यहाँ काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है आपस में। और ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिकन की दुकानें लगती हैं और बताया जा रहा है कि वहीं पर एक बड़ा सा चाकू रखा था, उसी चाकू को वो चारों आरोपी उठाते हैं और कई बार अभिषेक को गोद देते हैं, जिसके बाद उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर ये घटना स्थल बताया जा रहा है कि यहाँ पर चाकू से गोदा जाता है, यही वो घटना है। और आप यहाँ पर वो बेसुध हालत में पड़ा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से आरोपियों को पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए एक ही दिन के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वक्त हम लोग परिवार के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार अभिषेक के साथ उस दिन हुआ क्या क्या था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र। वीरेंद्र, अभिषेक की आप क्या लगते हैं? मैं उनका मामा। मामा, क्या कुछ हुआ था सर? मैम, मैं उस टाइम पे घर पे था जब ये वारदात हुई थी, वो 10 मिनट ही हुए थे घर पे गए हुए, तो इतने में हल्ला हुआ कि मेरे को लगा कि मेरा भाई चिल्ला रहा था। मैंने पता नहीं क्या बात होगी, जाके देखता हूँ नीचे। जब आया मैं नीचे तो मेरी भतीजी ने बताया कि चाचा वो गोलू भैया के ना चाकू मार दिया किसी ने। जब तक मैं भाग के आया देखा, मैंने भीड़ थी यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठा थी और लड़के वो भाग चुके थे। मेरे भांजे को यहीं पर ही, वो मेरा भांजा बेहोश पड़ा हुआ था, अधमरी हालत में ब्लडिंग हो रही थी, मेरा भाई उसको लेके पकड़ के रो रहा था और कोई भी मदद बंदा यहाँ पे नहीं था जो कि उसकी मदद कर दे। उसको लड़ाई छुड़वाई नहीं छुड़वाई, लेकिन कोई ऐसा भी बंदा नहीं था कि उसको हॉस्पिटल तक उसकी कोई मदद कर दे, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दे। तो जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे आता कुछ भी नहीं है, तो मैं भाग के गया ऑटो के पास, तो ऑटो वाला भी नहीं मिला, कोई गाड़ी कोई कन्विंस नहीं थी। इतने में मेरा एक दोस्त है डिम्पी, उसने अपनी बाइक लेकर के अपने भाई का साथ लेके उसको बिठा करके उसको हॉस्पिटल लेके गए हम। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद 5 मिनट के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और जिन लड़कों ने मारा है, उसका मेन जो लड़का है उसका नाम है प्रमोद, और रजनीश, अमित और रोशन ये इसी कॉलोनी में रहते हैं और इनकी चलती है मैम गैंग, बच्चा गैंग के नाम से इनकी सारे लड़के हैं, इन्होंने तैयार कर रखे हैं। पहले बाहर भी छीना झपटी करते थे और इस बार इन्होंने यहीं पर ही अपने घर के पास ही उन्होंने मर्डर किया। और जो जिस लड़के का मर्डर हुआ वो मेरा भांजा है, मेरी दीदी का बड़ा लड़का था, बस वही सहारा था इसका, उसका छोटा भाई है एक, और ऐसे में उन्होंने उसका घर बर्बाद कर दिया। अच्छा, कितने बजे की बात होगी? 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे। यहाँ पर रोजाना ऐसे जुआ खेलते हैं लोग बैठ के? मैम इधर खेलते हैं, देखो इस तरफ ये झाड़ी है, यहाँ पे संडे संडे मैंने सुना है कि यहाँ पे जुआ खेलते हैं, तो उसी दौरान यहाँ पे जुआ खेल रहे थे। और जब वो घर से निकला है उसने खाना तक नहीं खाया था, और जो भी हुआ ना उस टाइम पे बहुत गलत हुआ, क्योंकि पब्लिक बीच पब्लिक के सामने लड़ाई हो रही है, झगड़ा कर रहे हैं, चाकू उठा के, चाकू कोई भी चाकू बंदा बता रहे हैं आप लोग जी, चाकू उठा के उसके चाकू मार देते हैं और पब्लिक के सामने, कोई पब्लिक ऐसा भी नहीं कि चलो छुड़वा दें या छुड़छुड़ा भी किसी ने नहीं करवाया, मतलब उसकी जान ले ली, लेने के बावजूद भी कोई हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद बेचारे ने यहीं दम तोड़ दिया था उसने, तो जब तक वहाँ पे गए थे एक तो उसके यहाँ छाती पे मारा हुआ था चाकू, यहाँ से निकाल के फिर उसके यहाँ पे साइड में मारा था। तो चारों ने मिलके मारा है जी मैम, एक ने तो मैम उसका गला पकड़ रखा था जिसका नाम रोशन है, और दो लड़के जो थे रजनीश और रोशन, उसने हाथ पकड़ के उसको काबू कर रखे थे। अच्छा, एक अमित नाम का जो लड़का है उसने गर्दन पकड़ के काबू कर रखा था और दो लड़के हाथ पकड़ के काबू कर रखा था, और जो तीसरा लड़का था वो उसके चाकू से वार था, जिसका नाम प्रमोद बता रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, ये 300 रुपये देना था, क्या था वो? मेरा जो भांजा है जिसकी मृत्यु हुई है वो 300 रुपए जीत के उठ गया था, कह रहा था मैं नहीं खेलूंगा मैं जा रहा हूँ रोटी खाना। अच्छा, था उसको घर बोल के आया था कि रोटी बना रहा है आपका। मैं उसकी मौत की हूँ। हाँ, क्या कुछ हुआ था मैम? मैं तो काम पे थी, काम पे थी, ये 3:30 बजे के आसपास मेरी लड़की का फोन आया। एक बार तो मैंने उठाया नहीं, मैं काम में बिजी थी, दूसरी बार मैंने उठाया, मैं सोचा कोई बात होगा, बच्चा परेशान है, मैंने कॉल उठाया।
फोन उठाते ही वो घबरा के बोली मौसी सॉरी मम्मी जल्दी घर पे आओ, गोलू भैया को ना चाकू मार दिया, लड़ाई हो। मैं एकदम से घबरा गई, मैं उससे पूछने लगी कौन से हॉस्पिटल में ले गए, क्या हुआ कैसे। कह रही मम्मी बस आप घर आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं 10-15 मिनट लगेगी मुझे आने में, मैं घर आती हूँ। जब घर आती हूँ मेरे को लग गए 15-20 मिनट आने में। जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ देखती हूँ बहुत भीड़ है, पूरी पब्लिक है, यहाँ है वहाँ है। यहाँ आई हूँ तो देखी यहाँ ब्लड के दाग है, क्योंकि मैं तो रो रही थी, मुझे होश था ही नहीं कि मैं देखूँ और आगे भी ब्लड पड़ा था। मैं घर गई तो मुझे पता लगा कि गोलू को चाकू मार दिया है, इतनी गली के लड़के हैं। मेन जिसने चाकू मारा था पहले उसका ही नाम मुझे मालूम था कि हमारी जान पहचान की आंटी है, उनका लड़का है, उन्होंने चाकू मारा। बाकी लड़कों का नाम धीरे धीरे पता हमें लगा। फिर उसके बाद हॉस्पिटल से फोन आया कि हमारा भांजा। अच्छा, ये जितने भी लड़के हैं ये आपके आसपास ही रहते हैं? जी मैम, जानकारी पीछे गली में ही रहते हैं। तो ये लोग रोज उठते बैठते हैं साथ में ये सभी? नहीं, मेरा भांजा यहाँ पे कभी कभी आता था, उसका घर पांडव नगर में 358 यहाँ पे हमारा घर है। अच्छा जी। वो उसके लड़के का ननिहाल हो गया, नानी का घर है मेरे भांजे का, तो वो जब मर्जी मन करता था उसको आ जाता था। वैसे ये वो यहाँ नहीं रहता था, बचपन में यहाँ पर आया वो, उसके बाद उन्होंने पांडव नगर में शिफ्ट किया। अच्छा, तो ये जो लड़के थे ये सब इसके दोस्त ही थे एक तरीके से? मैम दोस्त के नहीं, जानकार है, आस पड़ोस में रहते हैं तो फिर दोस्त के जानकार तो पड़ोसी पड़ोसी थे। अच्छा, अभिषेक काम के कुछ काम भी करता था या? मैम वैसे तो वो टैटू आर्टिस्ट था और अभी वो कुछ ऐसा कर नहीं रहा था टैटू वैटू का, तो फिर वो नौकरी कर रहा था किसी कंपनी में। अच्छा, कंपनी में नौकरी कर रहा था। अच्छा, ये जो पूरा इलाका बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरे में चिकन की दुकानें लगती हैं? जी मैम, ये इधर भी चिकन की दुकान है, इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, यहाँ पे इधर भी मीट की दुकान लगती है। ये सारा एरिया मीट की दुकान यहाँ लगती है। तो ये जो आप बता रही थी कि चाकू सबके पास होता है तो बाहर ही छोड़ देते हैं? बिल्कुल। हाँ, आप शाम को कभी भी, आज तो मंगलवार है मैम, आप शाम को कल परसों जब भी आके, जब ये दुकानें खुलेंगे अभी तो फिलहाल सील है, आप आके देखना सबकी चाकू सबकी पटरी ऐसी पड़े रहेंगे, आप ऐसी दिखेंगे। तो मैम खुला रहेगा, कोई भी उठा सकता है। अच्छा, तो ये जो चार लड़के हैं जिन्होंने अभिषेक को मारा, इन्होंने यही चाकू उठाया था? जी मैम, छुरी थी जिससे कि चिकन वगैरह काट रहे थे, वो बोनलेस वगैरह उठाते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल वो वाले छुरी थी। हाँ। उससे मारा उसको। कितने चाकू लगे होंगे? मैम एक चाकू तो उसके यहाँ पे मारा, उसका छाती पे, यहाँ से निकाल के फिर वापस उसके यहाँ डाल दिया और डाल के मैम घुमा दिया चाकू को, तो उसकी पूरी पसली वसली जो थी ना, मतलब सारा ब्लड उसका यहीं गिर गया था। मैम देखो फोटो, देखो ये फोटो है मेरे पास, ब्लड जब उसका चाकू मारा उसको। देखिए बहुत ज़्यादा खून जो है वो मौके पर ही गिर जाता है और जिसकी वजह से बचाना संभव नहीं हो पाता। ये देखिए खून के जो धब्बे हैं, स्टेन देखिए, ये साफ आपको इनके पास पिक्चर है उसमें नज़र आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मारा गया था। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है ना यहाँ पर, कहीं पर भी लगा ही नहीं है एक भी सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे। अच्छा, ये लड़के जब इन्होंने मारा तो उसके बाद भागे गए किधर? इसको क्रॉस करके भाग गए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी क्राइम को अंजाम दिया जाता है तो हमेशा रेलवे की जो पटरी होती है उसको क्रॉस करके भागते हैं। और देखिए इधर जो पूरी कॉलोनी बसी है, संगम कॉलोनी, उसके दूसरी तरफ देखिए रेलवे पटरी है, अभी आपको मालगाड़ी जाती हुई नजर आ रही है और इसी को क्रॉस करके भाग जाते हैं। कहाँ भागे थे, कहाँ से पकड़े गए हैं? उनको तो जब ये भाग गए थे ना तो पता नहीं चला कि लड़के भागे कहाँ हैं। जब हमने कंप्लेंट कर दिया फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो फिर रात को इनको तीन लड़कों को उठा लिया था, उनसे नाम है रोशन, रजनीश और अमित, इन तीनों लड़कों को रात को उठा लिया था नोएडा से। और फिर जो मेन बंदा था जिसने चाकू मारा था उसको कल गिरफ्तार किया। कहाँ से पकड़ा गया? उसको मथुरा रोड से गिरफ्तार किया, मथुरा रोड। तो देखिए जैसे ये बता रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये रेलवे पटरी है पूरी, और इसी को क्रॉस करके वो चारों आरोपी भागते हैं। एक जो मेन मुख्य आरोपी है जिसका नाम प्रमोद बताया जा रहा है, जब तीन लड़कों ने मिलकर एक 19 साल के अभिषेक को पकड़ा हुआ था तो उसी दौरान प्रमोद लगातार चाकू से हमला कर रहा था, वही मुख्य आरोपी था। और बताया जा रहा है कि वो मथुरा भाग गया था, लेकिन मथुरा रोड से उसको कल ही पकड़कर पुलिस लेकर आई। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसी को पूरे इलाके में घुमाया है, परेड निकाल लेकर चारों कैदियों को लेकर के यहाँ से, हाँ, मुंह पे नकाब पहना के चारों को परेड निकाली पैदल पैदल। सब लोग देख रहे थे क्या? जी सब लोग देख रहे थे, लेके आया था कि कैसे तुम लोग कत्ल किया था, चारों को लेके आया, उसने बताया था कि इधर से लोग आए थे, हम लोग वहाँ से भागते भागते आया यहाँ पे आया, हम लोग मना भी किए थे तभी मारा नहीं दोस्त ने, तभी उसको कत्ल कर दिया। आपने देखा अपनी आंखों से? नहीं, हम लोग नहीं, तो जो कल पुलिस आया था ना उसको लेके आया था, पकड़ा तो अलग अलग था सबको। हाँ। तो उसने दिखाने के लिए मीडिया वाला भी आया था, बोला कि वहाँ पे लेके चलो, तो वहाँ सबको लेके आया था, यहाँ पे चारों के यहाँ से पूछताछ किया, फिर सबको यहाँ से ले गया पैदल। अच्छा, पैदल ही लेके गए।
सभी लोगों ने देखा सभी आरोपियों को, चारों को घूमते हुए। मैम मैं उस टाइम पे शमशान घाट में था अपने भांजे को लेके, शमशान घाट गए हुए। आपने देखा? हाँ हम लोग देखे थे, यहीं तो सब लेके आया था सब। जब पहले तो दो तीन पकड़ा गया था, जब चार इकट्ठा हुए ना सबको लेके आया था यहाँ, सबको लेकर आया। सबसे पूछताछ किया कि कैसे तुम लोग कत्ल किया था, किस कारण से किया था। हाँ। तो उस लोग बताया गया था कि जुग्गे में ऐसे बात हुआ था। हाँ। इतना मेरे जानकार है बस। अच्छा, तो पूरी गली में आरोपियों की परेड निकाली? नहीं, पूरी गली में निकाली थी, मोहल्ले में निकाली थी, बाहर से ही। बाहर से ही निकाल के एकदम, जब यहाँ पे चारों ओपड़े को लेकर आए थे ना यहाँ पर, उस टाइम शमशान घाट था, सारे सारे लोग शमशान घाट में। तो फिर किसी ने देखा नहीं शायद? नहीं, मामा के साथ किसी के पास नहीं आने दे रहे थे, आरोपियों को ढका हुआ था, ढका हुआ था, पास में नहीं आने दे रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब चारों आरोपियों को पुलिस ने करीब एक से डेढ़ दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद इसी इलाके में जहाँ पर उसने कत्ल को अंजाम दिया, ये वो घटना स्थल है, मैं एक बार याद करके दिखाऊंगी आपको, यहाँ पर अभिषेक गोलू को मारा गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खून के निशान भी अभी तक नजर आ रहे हैं, और उसके बाद ये जो घटना स्थल है यहाँ पर उसको मारा गया, और यहाँ पर तमाम इधर और दूसरी तरफ जो ये वाली लेन है, इन दोनों लेन में चिकन की काफ़ी सारी दुकानें लगती हैं। फिलहाल अभी इस घटना के बाद दुकानों को बंद कर दिया गया है। ये जो आप शेल्टर देख रहे हैं, इन्हीं शेल्टर के नीचे दुकानें लगती हैं, और यहाँ पर देखिए चिकन की दुकानें ऐसी बनी हुई है, और इसी के अंदर से एक बड़ा सा चाकू उन चारों आरोपियों ने उठाया और उसी से कई बार अभिषेक को गोद दिया, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। सवाल ये, इतने सारे लोग यहाँ पर थे, किस कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया, शायद लोगों के अंदर एक डर भी होगा कि अगर हम आगे आए तो कहीं हम पर भी हमला ना कर दे, हम भी घायल ना हो जाए, यही कारण है कि कोई शायद आगे नहीं आया। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी, ये जो मीट की दुकानें हैं, इसी दुकान के पीछे ये लोग जुआ खेल रहे थे, और महज 300 रुपये के लिए ये पूरा विवाद होता है। 300 रुपये अभिषेक जीत जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं आगे गेम नहीं खेलूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, और यही बात होती है कि चारों के चारों आरोपी मिलकर कई बार उसको मारना शुरू कर देते हैं, चाकू गोद देते हैं, और उसके बाद यही रेलवे की पटरी को क्रॉस करके दूसरी तरफ पर आ जाता है। दिल्ली में कैसा माहौल चल रहा है कि आरोपी दिन प्रतिदिन एक के बाद एक बड़े बड़े अपराध को करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ी खबर जो ये आई है कि दिल्ली पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम करती दिखाई दी इस पूरे मामले को देखते हुए, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गिरफ्तार के बाद इसी इलाके में चारों आरोपियों को कल लाया जाता है, परेड निकाली जाती है, इसी रोड से चारों आरोपियों को घुमाते हुए ले जाती है। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहीं से उन चारों को घुमाते हुए इलाके में सबको दिखाकर ले गई है कि यही चार आरोपी है, उसको इस घटनास्थल पर भी लाया जाता है, उससे यहाँ पर भी पूछताछ की जाती है कि आपने कहाँ मर्डर किया, कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर आप गेम खेल रहे थे, क्या कुछ हुआ, सबके सामने चारों आरोपियों को लाया जाता है, और उस इलाके से परेड भी निकाली जाती है। तो कहीं ना कहीं आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह होगा कि चारों आरोपियों को दिल्ली पुलिस क्या सजा देती है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले ने पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये चारों जो हैं ये एक दूसरे के जान पहचान के लोग थे, ये सब एक साथ बैठते थे, रोज़ाना गेम खेलते थे, और अचानक से महज 300 रुपये के लिए उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में कितना बड़ा, कितना लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध कहीं ना कहीं चरम पर है, ऐसे में दिल्ली पुलिस को और मुस्तैदी से काम लेने की ज़रूरत है। और आज जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है कि चारों आरोपियों को कुछ ही दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, अब देखना ये होगा कि इनको सज़ा क्या मिलती है और कब तक परिवार को न्याय मिल पाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।